जनता के मुद्दे देखिए, आज जनता हमारी किस कारण से परेशान है, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, मैं बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ आदमी हूं, इसलिए जनता की परेशानियों को खूब जानता हूं, क्योंकि अभी तक इस जनता में से जो परेशानियां होती थी वो गली में, मोहल्लों में, बाजारों में, गाँव में आपस में डिस्कस होती थी। लेकिन दोस्तों, जो भी, चाहे सड़कें टूटी हुई हैं, चाहे कहीं स्कूल में कोई साधन ठीक नहीं है, और चाहे कहीं सीवरेज का काम रुका हुआ है, और चाहे कहीं पे पानी की निकासी का काम रुका हुआ है, कहीं बिजली के तारों के खंभे खराब हो रहे हैं, तो मेयर बनने के बाद जो शहर में कोई गंदगी फैली रहती है, जो उसका ध्यान नहीं रखता, लेकिन आप यकीन मानना 30 साल में जो नहीं हुआ, मेरे मेयर बनने के बाद आपको ये अधिकतर खुशी होगी कि जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जो मेरे नेताओं ने आशीर्वाद दिया है, जो मेरी मीडिया ने आशीर्वाद दिया है, मैं सबकी सेवा इस प्रकार करूंगा कि वो एक अनोखी सेवा मानी जाएगी, क्योंकि कारण है, अनोखी सेवा का शब्द यूज करने का एक अभिप्राय है, क्योंकि कोई आदमी साइकिल से, स्कूटर से, पैदल चलता हुआ, चाहे कोई रेडी वाला, चाहे कोई रेस्टोरेंट चलाने वाला, कोई डॉक्टर, चाहे कोई बड़ा व्यापारी, कोई भी मुझे जिस प्रकार से पुकारेगा, उसको इतना सम्मान मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा कि उसे ये नहीं लगेगा कि संदीप गोयल कोई मेयर है। और इस बात के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो खुद को ही अपने आप मेयर मानेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जो हमारे जगाधरी में माहौल है और दिवाली नुमा माहौल है, और हर पार्टी, चाहे उसके अंदर बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, बहुजन समाज पार्टी, इनेलो, जो कि हमारे को टिकट दिया गया है बहुजन समाज पार्टी और इनेलो से, सभी पार्टियां, आज कोई भी पार्टी का प्रत्याशी है या जनता है, वो सब मेरे साथ हैं। कोई ना कोई पार्टी, देखिए मजबूरी हो जाती है, जो मौजूदा सरकार होती है वो लोग खुलकर साथ नहीं चल सकते, लेकिन आज यकीन मानना सारे अपने प्रेस वाले भाइयों को मैं सीना ठोक कर इस बात को कह सकता हूँ कि हर पार्टी का आदमी, पूरी जनता, चाहे वो जगाधरी, जमुनानगर और चाहे गाँव से है, सब भाई मेरे साथ हैं। और जीतने की तो बात एक अलग होती है, लेकिन मुझे जो अपना लोगों के बीच में जाकर पता चल रहा है, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मैं जीतूंगा।